दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास बाहर शुक्रवार की शाम एक विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया। मौके से कुछ बॉल बैरिंग भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने में किया गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं जिसकी मदद से आरोपियों के स्केच तैयार करवाए जा रहे हैं। घटना स्थल के पास से पुलिस को एक लिफाफा भी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस को घटना स्थल के पास से मिले लिफाफे में एक चिट्ठी मिली है जिसमें इजराइल के राजदूत को संबोधित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उस चिट्ठी में लिखा गया है कि यह तो बस ट्रेलर है। उस चिट्ठी में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फरकरी जादे की हत्या का भी जिक्र है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी इसकी आधारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी घटना स्थल पर पहुंची है जहां बीती शाम आईईडी ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दिल्ली में रह रहे ईरानी लोगों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। दरअसल इसराइल इस घटना को आतंकी हमला मानता है और उसे इसके पीछे ईरान का हाथ होने का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है जिसमें दिख रहा है कि एक कैब ने दो व्यक्तियों को ड्रॉप किया था जो इजरायली दूतावास के बाहर घटना स्थल की तरफ जाते दिख रहे हैं। कैब ड्राइवर से संपर्क करके आरोपियों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं और उनकी भूमिका जानने के लिए जांच की जा रही है। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा की यह रिपोर्ट। We'll be right back.